दोस्तों नमस्कार, कानूनी बातें बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है पगड़ी की जगह, यानी पगड़ी संपत्ति। और ये पगड़ी की जगह बात बताने के बाद आपके सामने जो चीज आती है वो है मुंबई की बात। मुंबई में जो पगड़ी की जगह है वो बहुत सारी जगह पगड़ी पे है। ये जो इंडिपेंडेंस था, इंडिपेंडेंस के पहले से चलते आ रहे हैं। यहाँ क्या होता था, तब के जमाने में लोग चाली के स्वरूप में बहुत सारा सब बड़ा बड़ा मकान बांधते थे, और मकान में से जो छोटे 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 घर है वो भाड़े पे देते थे, पगड़ी पे देते थे। अब होता ऐसा कि पगड़ी यानी एक रकम आपको देनी पड़ती है। वो रकम क्या होती है, जैसे आप लिविंग लाइसेंस में सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है, वैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट है, पर वो वापस देने का नहीं हो, उसका मालकाना का मालिक को ही चला जाता है। अब इसमें एक चीज होती है कि आप पगड़ी की संपत्ति बेच नहीं सकते, आपको केवल ट्रांसफर आप कर सकते। यानी अगर आपको ट्रांसफर करना है तो किसी और किराएदार को वो सौंपना है, तो हस्तांतरण के लिए आपको मकान मालिक को रसीद राशि का एक हिस्सा देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो नहीं मिलते हैं तो वो जो रसीद है, रसीद पे नाम चढ़ाएगा ही नहीं। आने वाले जो आते हैं किराएदार, उसके नाम पे अगर रेंट रिसीट नहीं रहेगी तो रेंट रिसीट नहीं है। यानी अगर उसके नाम पे अगर रसीद नहीं है तो मान लो वो उस पगड़ी के जगह का आगे का किराएदार है ही नहीं। जैसे सोसाइटी में शेयर सर्टिफिकेट हो गए तो ही वो मेंबर है, वैसे किराएदार के लिए जो रसीद रहती है, रेंट रिसीट रहती है, वही उसकी एक पहचान होती है। उससे वो क्या होता है, वो किराएदार होता है। अब पगड़ी प्रणाली में अगर मान लो किसी आदमी को अपने दादा के नाम का घर है, वो अपने नाम पे करना है, तो बहुत बार ऐसा दिखता है कि मालिक करता ही नहीं, मरे हुए दादा परदादा के नाम से ही वो रेंट रिसीट देते रहते हैं। इसका कारण है, चीज ऐसी होती है कि जब रेंट कंट्रोल एक्ट आ गया तो भाड़ा पे नियंत्रण आ गया, वो भाड़ा बढ़ ही नहीं रहा। तो भाड़ा बढ़ ही नहीं रहा, आपको अचरज लगेगा कि बहुत ऐसे जगह है कि जहां आज भी भाड़ा 50-70 से लेके 500 तक है, जबकि अड़ोस पड़ोस में वही चीज 50,000 से लेके 70,000 तक का भाड़ा है। वही चीज आज वो रेंट कंट्रोल एक्ट के कारण 50 रुपए से 500 रुपए तक का भाड़ा दे रहे। अब होता है ऐसा, इसमें मालिक क्या सोचता है कि भाई ठीक है, भाड़ा नहीं मिल रहे तो ठीक है, भाड़ा बहुत ही कम है, उसमें भी खर्चा है, पर पैसा कब मिलेगा, जब ट्रांसफर होगा, हस्तांतरण होगा तो पैसा मिलेगा, 1/3 दे दो। फिर रसीद आपके नाम पे चढ़ानी है, पिताजी गुजर गए, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे नाम पे चाहिए, पैसा दे दो। वो भी वो क्या वो बोलेगा, ये हस्तांतरण ही है, पिताजी के नाम से तेरे नाम पे। पर इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि किराएदार की ये सोच होती है, और उसका हक भी बनता है कि जैसे मान लो पिताजी है, पिताजी गुजर गए तो माताजी के नाम पे होना ही होना है, नहीं तो भी वो कोई निकाल नहीं सकता उसको घर से। माताजी पिताजी के बाद वो जो लड़का है उसके नाम पे होना ही है, नहीं हुआ तो भी उसको कोई निकाल नहीं सकता, या बात उसके दिमाग में बैठी रहती। तो इसलिए बहुत बार ऐसा होता है, कष्ट की बात होती है कि नाम पे ही रेंट रिसीव नहीं होती। जब रीडेवलपमेंट आता है तब जाके वो रसीद नाम पे होती है, क्योंकि रसीद नाम पे नहीं होवे तो कंसेंट कौन देगा, मरा हुआ आदमी थोड़ी दे सकता है, तो तब नाम पे होता है। पर एक चीज होती है, ऐसे समय में जब रीडेवलपमेंट हो जाता है अल्टरनेट अकोमोडेशन के कारण, एक तो मालिक को मालकाना हक मिल जाता है, जो किराएदार है उसको भी एक अपना घर मिलता है, वो उसका खुद का घर होता है, मालकाना घर होता है, पर उसको जो आदत पड़ी होती है 100-200 रुपए में रहने की, वो आ जाता है मेंटेनेंस 5,000 से लेके 10,000, और वो बेचारा टिक नहीं पाता है। अब ये बात अलग है,
मान लो अभी कभी भी किरायेदार को आपको मालकाना हक चाहिए, यानी मालिक होने की स्वामित्व लेने की इच्छा है, तो कर सकते क्या? तो जरूर कर सकते। उसको मालिक को संपर्क करना है। मालिक क्या करेगा? वो बोलेगा आपका किराएदार के अधिकारों को आप सरेंडर करो, और फिर विक्री विलय यानी सेल डीड करके वो जो घर है, वो उसका जो खोली है, वो खोली उसके नाम पे कर सकता है। ये चीज भी है। अब एक चीज 100% है कि महाराष्ट्र में, खास करके बंबई में, जो पगड़ी की संपत्ति है, पगड़ी की संपत्ति के द्वारे में बहुत बार अनबनी होती है। चीज ऐसी होती कि मालिक कुछ करता ही नहीं, क्यों करेगा, पैसा मिलता नहीं है। फिर माड़ा के पास जाते हैं, माड़ा सेस बिल्डिंग, अगर पैसा और सेस क्या आता है तो एक बार, दो बार, तीन बार रीडेवलप कर देती है, पर फिर भी बहुत कठिन स्थिति होती है। अभी नए नए भी कानून आते हैं, वो आने वाले नए कानून उसके ऊपर तय ही करेंगे। पर आज के विषय में, आज मैं पगड़ी की बात बताई, पगड़ी की संपत्ति के बारे में। आपको ये चीज अच्छी लगी तो 100% लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो तक यही हम रुकेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।